हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का एग्जांपल 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो चारों आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपका जो ए बी सी है वो आपका रियल नंबर है और ए 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, 2x² + x - 3 इज इक्वल टू जीरो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो x का पावर है ये 2 है। इसी तरीके से 2x² - 3x + 1 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x - 3x² + 2 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इधर और ये इधर हो सकता है, तो उसके लिए और कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये होना जरूरी है। 1 - x² + 300 ये भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ए माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसको स्प्लिट करना आपको आता होगा। ये होता है a² + b² - 2ab। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो आपका एक्स ए है और बी 2 है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² + 4 - 4x - 2ab। तो 2 × 2 × x + 1 = 2x - 3। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, यहाँ माइनस 4x लिख दो, और ये +4 + 1 + 5 हो जाएगा। और इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा आपका -2x + 3 = 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, -2x - 4x और -2x, तो ये हो जाएगा आपका -6x और +5 + 3, ये हो जाएगा +8 = 0। अब यहाँ पे देख लो, ये जो आपका ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ रहा है, x² - 6x + 8। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। तो LHS RHS को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली, इसको कह लो x × x + 1 + 8। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x² + x + 8, ये आपने सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद RHS को सॉल्व कर लो, RHS जो कि आपका है x + 2 और x - 2। अब आपको पता है, यहाँ पे लिख लो a² - b² क्या होता है, एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x² - 4 यानी कि x² - 2 का स्क्वायर, तो यही होगा, ये हो जाएगा, आप समझ सकते हो। देन जब LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² + x + 8 = x² - 4, ये लिख सकते हैं, समझ रहे हो आप। देन इसको इस साइड ले आएंगे, x² - x² + x + 8 और यहाँ पे +4, इस 4 को इधर ले आए तो प्लस हो गया, और इसको इधर ले आए तो ये और ये कट गया, और ये आपका हो गया x + 12 यहाँ पे हो गया x + 12 = 0। अब आपको पता है कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके फॉर्म में रहना चाहिए,
लेकिन ये इसके फॉर्म में, ये इसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ रहे हो, समझ गए आप। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, जो कि काफी इजी है, सिंपल है। हम लोग इसको यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स 2x+3 इज इक्वल टू x² + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू x² + 1। अब इसको इसको इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे 2x² + 3x - x² - 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आप 2x² में से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे आपका x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है, ये जो आपका जो बेसिक फॉर्म है ax² + bx + c, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो कह सकते हो आप कि जो आपका गिवेन इक्वेशन है, गिवेन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका कि जो x+2 का होल क्यूब है, ये बराबर है x³ - 4 के। तो x+2 का होल क्यूब ये होता क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। a+b का होल क्यूब होता है आपका a³ + b³ + 3ab × a+b। उसके बाद a-b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab × a-b। देन a³ - b³ होता है a-b² + b² + ab। काफी इजी है, देखो यहाँ पे a-b है तो यहाँ पे a-b लग गया और ये सारे प्लस में हो गया। यहाँ पे a³ + b³ है तो यहाँ पे a+b हो गया, a² + b² - ab हो गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है वो भी है, a+b² = a² + b² + 2ab। देन a-b² = a² - 2ab + b² देन a² + b² होता है आपका a+b² - 2ab। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इजी है। अभी तो हमें ये वाला फॉर्मूला जो यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a+b। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे a+b का होल क्यूब होता है आपका सबसे पहले a³ + b³ + 3ab × a+b। सबसे पहले आओ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। सबसे पहले आपका यहाँ पे a है आपका x और यहाँ पे b है आपका 2, तो a³ यानी कि x³ + 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, देन प्लस 3 × x × 2 और a+b यानी कि x+2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x³ - 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x³ + 8 + 3x × 2 यानी कि 6x + 2 इज इक्वल टू x³ - 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x³ + 8, आप 6x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² + 12x इज इक्वल टू x³ - 4। अब देखो एक और स्टेप करेंगे जिसमें आपका x³ + 8 + 6x² + 12x - x³ और इधर +4 = 0। अब ये जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये और ये कट गया। देन उसके बाद 6x² हमको यहाँ लिख देते हैं, देन प्लस 12x और ये 8 और ये 4, ये हो गया +12 = 0। अब ये देखो ये जो आपका बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म, एक बार क्या करो ना इसको 6 से डिवाइड कर दो,
इन सारे को 6 से अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको अगर डिवाइड कर देते हो आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 से नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो आपका बेसिक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। तो इसको साफ साफ आप कह सकते हो कि ये जो आपका इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गिवेन इक्वेशन, गिवेन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें इतना ही फाइंड करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर आपका जो बेसिक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये भी है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो सिंपल था। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब देखो ये जो है ना टेलीग्राम चैनल का जो चैनल नेम कह सकते हो, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करोगे @PallavaSuFilms तो आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेना वीडियोस के अपडेट के लिए। लाइक शेयर जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।